का प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी तो इतना तक आ गया, दिल्ली में एक महीना से आगे पोल्यूशन होता है, लेकिन दीपावली का दिन हिंदू ने बम फुटाया इसलिए ही पोल्यूशन है, और आगे और पीछे पोल्यूशन नहीं था। आप सोच सकता है भैया, आप लोग अभी इतना तक लेके जाएगा कि दीपावली का दिन भी हम लोग उत्सव नहीं मनाऊंगा, आप लोग इतना तक हमें लेके जाएगा क्या? दो दिन दीपावली का, दिवाली का कारण दो दिन हमें बम फुटाता हो और उसके लिए ही भारत पोल्यूशन में होते हैं, और कोई कारण नहीं है? ये क्या आप लोग हमें सिखाएगा? हमारा दिमाग में कुछ अकल नहीं है क्या? आज हम केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली में अगर पोल्यूशन है उसका कारण ढूंढिए, लेकिन हिंदू का बदनाम करना आप बंद करिए। ये देश में हिंदू का बदनाम करना ठीक नहीं है, ये देश को हिंदू ने बनाया है, ये बात आप सोच के रखें। भाई और बहनों, कोई लोग होता है, कोई लोग होता है हिंदू का उत्सव खराब है, कोई भी प्रोसेशन होता है हिंदू के लिए हो दिया। मैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि देखो, भारत जो देश है हिंदू का मातृभूमि है, और आप लोग ये भी सोच लीजिए, आप लोग जितना भी बाबर और औरंगजेब को प्यार करो, लेकिन हिंदू ये भारत में थे, और जब तक शान और सुरूज रहेगा ये हिंदू भारत में रहेगा और भारत को सेवा करेगा, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। भाई और बहनों, राम मंदिर में जाना है कि नहीं? रामलला का दर्शन करना जाना है कि नहीं? जरूर जाना है। ये राम मंदिर जो बना है ना, 500 साल का गुलामी का बाद सोचा भी नहीं कोई किसी ने कि कभी हमारा गुलामी का अंत होगा। 500 साल गुलामी का बाद एक व्यक्ति को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, वो नरेंद्र मोदी का कारण आज हिंदू को रामलला का भव्य मंदिर मिल रहा है। हमें मोदी जी को सम्मान देना है, और इस बार जब लोकसभा चुनाव आएगा 300 से नहीं भाई साहब, 400 सीटों से हमें नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा।